यही आपके बेटे हुसैन है। आपके उम्मती करबला के अंदर करबला में शहीद कर देंगे, यही आपका हुसैन है। आपके बेटे का जो बेटा होगा अली अकबर उसे भी शहीद कर देंगे। जब ये सुना ये फरिश्ते ने आका की बात की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आपके बेटे आका हुसैन है, आपके उम्मत तीन दिन भूखे रहे, तीन दिन प्यासे रहे और शहीद कर देंगे। लेकिन मेरे आका ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील ने क्या बात कि हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी करबला की मिट्टी लेकर आया हूं। लेकिन आका सल्लल्लाहु यही फरिश्ता है, आका उसे दुनिया में नहीं आए, उससे 400 साल पहले इस फरिश्ते को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। इस फरिश्ते का काम क्या है? या रसूल अल्लाह जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फरिश्ते का काम यह है कि जब आका हुसैन करबला में शहीद हो जाएंगे, क्या आका हुसैन जब करबला में शहीद हो जाएंगे, अल्लाह ताला आसमानी कायदा से उसे जमीन पर उतारेगा और आका जहां मजार है इसी पर से साफ करता रहेगा। आका हुसैन के मजार पर अपने बड़ों को ये सरस साफ करता रहेगा और कयामत तक की नमन करता रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को पैदा फरमाया तो आका हुसैन के मजार बारों को साफ करता रहेगा। बताना यह है कि आका हुसैन की मोहब्बत रखो। और हमारे यहाँ 29 तारीख अब याद रखना, हर एक चांद होगा मुकर खिताब करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इकबाल सैद ने कहा है कि जब चांद 29 तारीख हो ना हो सोमवार के दिन तो इंशाल्लाह जरूर शिरकत करिए, इसलिए कि चांद 29वां हो के ना हो लेकिन यहाँ सोमवार को इंशाल्लाह तकरीब शुरू हो जाएगी। बस दुआ के अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है बोलने में कामी है तो माँ अता फरमा दे। हम सभी कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह।